दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से हम एक अच्छा सा थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस YouTube चैनल पर सीरीज निकाली थी, YouTube चैनल जहां पर हमने YouTube चैनल क्रिएट करना आपको बताया था। YouTube चैनल को क्रिएट करने के बाद वीडियो एडिटिंग, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत सारी वीडियो एडिटिंग हमने आपसे शेयर भी कर रखा है। काइन मास्टर का हमारा एक सीरीज भी स्टार्ट हुआ है, जहां पर हमने बेसिक आपको 2 वीडियोस बना रखी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैंने लोगो बनाना सिखाया, वो सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक अच्छा सा थंबनेल कैसे सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल इस फोन की मदद से। दोस्तों, आज जो एप्लीकेशन का हम यूज करने वाले हैं वो एप्लीकेशन है पिक्सल लैब। ये आपको प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, हम सारी चीज़ें बात करेंगे लेवल बाय लेवल। हम इस वीडियो में बात करेंगे पिक्सल लैब के बारे में। जैसे पहला लेवल में हम बात करेंगे बैकग्राउंड को लेकर। जो बैकग्राउंड आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा ग्रीन और येलो टाइप का है, इस बैकग्राउंड के बारे में हम यहाँ पर पहले बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में हम बात करेंगे टेक्स्ट की। टेक्स्ट में जितने भी चीज़ें आते हैं लाइक टेक्स्ट, फॉन्ट कलर, साइज, 3D टेक्स्ट, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो हमारा थर्ड लेवल रहेगा, उसमें हम फोटोज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि PNG हो सकती है, सब्जेक्ट PNG हो सकती है, या फिर हमारा अपना PNG हो सकता है। दोस्तों, स्टेप बाई स्टेप समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको सरल तरीके से समझाएंगे आपको क्या करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, भले ही वीडियो जरी सी जरा सा लंबा जरूर हो जाए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब आप अपने पिक्सल एप्लीकेशन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में 3 डॉट दिखेगा। 3 डॉट पर जैसे ही आप यहाँ पर टैप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज साइज करने आएगा। सेलेक्ट आपको इमेज साइज करना है, यूट्यूब थंबनेल, देन ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर लेयर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर यहाँ पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करते हो उसके बाद कलर पर आपको जाना है। जैसे ही यहाँ पर आप कलर पर जाते हो, उसके बाद सिंपल जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप सेलेक्ट कर पाओगे, चूज कर सकते हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव बैकग्राउंड थंबनेल बनाने के लिए आप ग्रेडियंट कलर का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट कलर इसको मैंने खुद से क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया जाता है, चलिए इसके बारे में भी बताते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस आइकन है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर अप साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो ग्रेडियंट का पैटर्न है वो किस तरीके का रहने वाला है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का पैटर्न रहेगा या फिर इस तरफ, और आप इसको सेट भी चाहो तो कर सकते हैं। चलिए मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ और कलर को चेंज करता हूँ। देखिए दोस्तों, राइट साइड में ब्लैक कलर है, इस पर हम टैप करेंगे। कलर के आइकन पर टैप करेंगे, हम यहाँ पर चलिए ब्लू कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर इंक्रीज करके थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आप चाहो तो कम कर सकते हो, और इसको हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, रेड कलर वाला जो है, इस पर हम इसको रेड ही रहने देते, ओके दबाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा ग्रेडियंट कलर कैसा बन गया है। ये दोस्तों बैकग्राउंड का ग्रेडियंट कलर बहुत ही औसम है, इसको क्रिएट करना भी काफ़ी आसान है। अब हम नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा टेक्स्ट। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक ए वाला आइकन आपको दिखता है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है, लाइक हम यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू मेक। लिखने के बाद ओके दबाते हैं। देन यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट को आप अगेन एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें कलर भी आप चाहो तो सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, वो है हमारा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट आप बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पिक्सल ऐप की ओर से फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम माय फ़ॉन्ट पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट है जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, इनका लिंक हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। अब यहाँ पर हम मोन्स्ट्रेट ब्लैक इटालिक को सेलेक्ट करते हैं, ओके पर टैप करते हैं। उसके बाद हम इसको ज़रा सा इंक्रीज करते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं टेक्स्ट को लेकर, वो है दोस्तों
यहाँ पर बैकग्राउंड, जी हाँ साथियों बैकग्राउंड पर अगर हम टैप करते हैं, इसे इनेबल करते हैं तो बैकग्राउंड आपका लग जाता है। चलिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड भी लगाते हैं। लेफ्ट फेडिंग यानी कि लेफ्ट साइड में हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ राइट हमारा सही है। टिक मार्क पर क्लिक करने से पहले हम यहाँ पर चाहे तो आप रेडियस जो है इसको रेडियस को भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप रेडियस को इंक्रीज करोगे तो एजेस जो हैं आप देख सकते हो यहाँ पर एज है, ये एज आपका कर्व हो जाएगा बैकग्राउंड का। तो चलिए हम इसको जो भी है इसको कुछ इस प्रकार से हम कर देते हैं। हाउ टू मेक, अब यहाँ पर हम अगेन टेक्स्ट पर जाएंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर फिर से हमें थंबनेल लिखना है। अगर हम इतना समय नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको लेयर वाला ऑप्शन मिलता है, सिंपल लेयर वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। उसके बाद देन यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, जिस टेक्स्ट को आपने डिजाइन करके रखा है यानी कि सेम फॉन्ट सेम बैकग्राउंड सेम कलर, उसको आपको यहाँ पर देखिए पेंसिल वाला एक आइकन है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का आइकन आएगा कॉपी वाला आइकन, इस पर आपको टैप करना है। जैसे टैप करते हैं यहाँ पर डबल कॉपी बन चुका है। चलिए अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं थंबनेल। थंबनेल जैसे ही लिखते हैं ये देखिए साथियों कुछ इस प्रकार का आ जाता है। हम यहाँ पर थंबनेल लिखकर और यहाँ पर हम इसको एक कलर को चेंज करते हैं, यानी कि इसके कलर को हम कुछ अलग रखते हैं। चलिए दोस्तों कलर को हम यहाँ पर काफ़ी सही से चेंज कर देते हैं। चलिए हम येलो रख दिए। अब ये देखिए कुछ इस प्रकार का इसका लुक आ रहा है, कुछ इस प्रकार का कर दिया। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ और भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, लाइक HD इन फोन। अब आपको यहाँ पर फ़ोन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं एंड देन अगेन यहाँ पर कुछ कुछ फ़ोन हम ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी जो टेक्स्ट हैं उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम नेक्स्ट लेवल की ओर इंक्रीज होते हैं, नेक्स्ट लेवल की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा यहाँ पर PNG फ़ोटोज़। दोस्तों यहाँ पर हम सब्जेक्टिव फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं और अपना जो ब्रांड फ़ोटो है वो भी लगा सकते हैं। सब्जेक्टिव फ़ोटो यानी कि जो भी आपका पर्टिकुलर थंबनेल रहेगा उसी से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड फ़ोटो। दूसरा ब्रांड फ़ोटो यानी कि आपका चैनल यानी कि आप अपना खुद फ़ोटो लगाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर आप अपना खुद फ़ोटो आपको एक PNG का लगाकर दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इरेजर में कुछ फ़ोटोज़ मैंने इरेज कर रखी हैं तो उन्हीं फ़ोटोज़ को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको टैप करना है, अगेन यहाँ पर ये आ जाएगा और इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पर आपको करना है स्ट्रोक। स्ट्रोक पर जाने के बाद इसको स्ट्रोक को आप 4-5 रख सकते हैं एंड देन यहाँ पर शेडो। दोस्तों शेडो लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये एक ऑसम वाला ग्लो देता है आपकी फ़ोटो के साइड में। चलिए हम यहाँ पर बना दिए हैं, अब हमें क्या करना है इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। 3 डॉट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज पर हमें सिंपल टैप करना है। जैसे हम एक्सपोर्ट इमेज पर टैप करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है कि HD में इसे एक्सपोर्ट कैसे करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर में आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है, इस फॉर्मेट को हमें PNG ही रहने देना है। आपका JPG रहेगा तो JPG नहीं हम रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे PNG। PNG रखने के बाद यहाँ पर देखिए डायमेंशन है आपका कस्टम, कस्टम आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टम आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा तो आपको कस्टम को हटा के यहाँ पर कर देना है अल्ट्रा। अल्ट्रा करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही टैप करते हैं आपका जो थंबनेल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरीके से सीखते रहो, सिखाते रहो, मचाते रहो।